ठीक है सर, धन्यवाद। ओके सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अब हम लोग आगे के इस लेक्चर में चैप्टर फर्स्ट जो पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यूस करते हैं, उसी को चलाए रखते हैं। और देखिए चैप्टर फर्स्ट में जो कल हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा था, तो उसके मात्रक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके मात्रक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से उसकी बात करता हूं। आवेश के हम लोगों ने दो मात्रक पढ़े थे कल, एक पढ़ा था एसआई मात्रक जिसको हम लोग बोलते हैं कूलाम, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था एक कूलाम को हम लोग लिखते हैं 3×10^9 ESU, और ये जो है वो CGS मात्रक है। ये कल बताना रह गया था CGS मात्रक, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आता है कभी कभार कि मतलब मजाक के रूप से पूछ रहा हूं, लेकिन वास्तव में कहने के हिसाब से बहुत बड़ी बात है कि एक गुलाम आवेश की क्या औकात है, एक गुलाम आवेश की क्या औकात है, मतलब कितनी हैसियत रखता है एक गुलाम आवेश, मतलब कितना बड़ा है एक गुलाम आवेश, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। एक चीज रह गई है तो उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। अब देखिए मतलब सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, इनके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे। अब देखिए इसके बाद ये दो बातें आपको तो पता चल गई, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म किसके, आवेशों के गुणधर्म क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला गुणधर्म होता है आवेश संरक्षण आवेशों का संरक्षण का संरक्षण, ठीक है, आवेशों का संरक्षण। अब देखो इसका मतलब क्या है कि आवेश संरक्षित होते हैं, आप लोग बोलते हो आप घर पे रहकर किसी के संरक्षण में हो, मतलब माता पिता के अधीन हो, तो यहां पर भी देखो एक बात हो जाएगी कि आवेश जो है, आवेश न तो उत्पन्न किए जाते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं, अपितु एक रूप से दूसरे रूप में बदले जा सकते हैं, ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में बदले जा सकते हैं। और यही नियम क्या कहलाता है, आवेश संरक्षण का नियम। मतलब ये नियम क्या कहता है कि आवेश न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति में आवेश जो है वो पहले से विद्यमान है। आप लोग को मैंने चार गुलाम आवेश बना दिया, आपने नहीं बनाया, वो पदार्थ की क्रियाओं से अपने आप आए हैं, और जब वो कुछ बना है तो वैसा का वैसा दूसरा कहीं और भी बना है, ठीक है। इसका मतलब प्रकृति में कुल आवेश जो होते हैं, मैं लिख देता हूं, किसी भी निकाय में कुल आवेश सदैव सर
सुरक्षित रहते हैं। किसी भी निकाय में कुल आवेश क्या रहते हैं, सदैव सुरक्षित रहते हैं। तो इस प्रकृति में न तो आवेश हम लोग बना सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, जबकि हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसका मतलब किसी वस्तु पर आवेश है, वो वस्तु उदासीन है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दें हम लोग तो वस्तु धनात्मक बन जाएगी। अगर आप लोग उस पर इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो वस्तु क्या बन जाएगी, ऋणात्मक बन जाएगी। इसका मतलब हम लोग आवेश को क्या कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते, नहीं उत्पन्न कर सकते, जबकि हम लोग उदासीन को धनात्मक में, उदासीन को ऋणात्मक में बदल सकते हैं। तो इसका मतलब आवेशों का रूपांतरण किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, आवेश का रूपांतरण किया जा सकता है। और इसका मतलब किसी भी निकाय के कुल आवेश क्या रहेंगे, सदैव संरक्षित। कैसे समझेंगे, देखो कल वाला एक एग्जाम्पल लेंगे, NaCl। देखिए सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने, तो NaCl लिया, तो इसको मैं तोड़ता हूं तो Na प्लस और Cl माइनस। तो देखिए एक तो ये प्लस का आवेश आ गया और ये माइनस का आवेश आ गया, जबकि ये पदार्थ अपने आप में क्या था, उदासीन था। क्या था, उदासीन। अब उदासीन को जब तोड़ा आप लोगों ने, एक धनात्मक आवेश बना, दूसरा क्या बना, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो इसका मतलब कुल आवेश कुल मिलकर क्या बन गया आपके पास, उदासीन तत्व बन गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग आवेशों का संरक्षण। ठीक है, तो यहां पर उत्पन्न नहीं हुआ, देखो इसी में से टूट के बना है। तो इधर का इधर तो है उदासीन, तो उदासीन कैसे बनेगा, जब एक प्लस का होगा दूसरा माइनस का होगा, दोनों जोड़ोगे आप लोग, दोनों जोड़ोगे तो प्लस का और माइनस का, एक प्लस का एक और माइनस का एक, तो कुल वापस क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिखने का थोड़ा तरीका बता देता हूं। देखिए ये है उदासीन, ये धनात्मक, मैं धनात्मक को ऐसे लिख देता हूं, और ये ऋणात्मक। तो देखो ये धनात्मक और ये ऋणात्मक वापस करके क्या बना देंगे, उदासीन बना देंगे। इसका मतलब आवेश क्या रहा, संरक्षित रहा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लें। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का नियम पता चल गया, आवेशों को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट किया जा सकता है, अपितु उनको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, और इसका मतलब किसी भी निकाय का कुल आवेश सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है, सदैव संरक्षित रहता है। ठीक है, क्लियर। ये निकाय अपने आप में, NaCl अपने आप में तंत्र हो गया, अपने आप में पर्टिकुलर वस्तु हो गई, तो इसका आवेश सदैव क्या रहा, संरक्षित रहा। इसलिए आप लोग केमिस्ट्री में कोई इक्वेशन करते हो तो बैलेंस करते हो इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्योंकि वहां पे आवेश संरक्षण का नियम लगता है। तो ये पहला गुणधर्म हो गया। दूसरा है आवेशों का योज्यता का नियम। तो योज्य, योज्य मतलब जोड़ने से अभिप्राय है कि किसी भी निकाय में सारे आवेश, मतलब किसी भी निकाय में कुल कितने आवेश हैं, तो उन आवेशों को बताने के लिए उस निकाय के सारे आवेशों को आपको जोड़ना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो आवेश एक अदिश राशि है, अतः किसी भी निकाय के कुल आवेश सदैव बीज गणितीय योग के बराबर होंगे, सदैव सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर रहेंगे। अब देखो मैं इसको समझा रहा हूं कि भाई मान लो अपने पास कोई, ये अपने पास कोई कमरा है, ये कमरा है, इस कमरे के एक कोने में इस तरह की कोई जगह है, तो दो गुलाम आवेश है, यहां पर माइनस एक गुलाम आवेश है, यहां पर तीन गुलाम आवेश है,
इस तरह से बिखरे हुए हैं। अब मैं बोलूं कि इस निकाय में, इस परिसर में, इस कक्ष में कुल कितने आवेश हैं, तो आपको कुल आवेश निकालने, क्यू नेट, नेट आवेश निकालना, कुल आवेश निकालना है। तो आप क्या करोगे, जैसे ये क्यू वन हो गया, ये क्यू टू हो गया, ये क्यू थ्री हो गया, तो सब पर क्या करोगे, बीज गणितीय योग करोगे। क्या करोगे, बीज गणितीय योग, क्योंकि ये तो अपने आप में सदिश राशि है नहीं, तो सदिशी योग तो होगा नहीं, कौन सा योग होगा, बीज गणितीय योग, कौन सा योग होगा, बीज गणितीय योग। तो इसका मतलब देखो बहुत आसान बात है, बहुत सिंपल, बहुत ये आवेशों का योजना का नियम बहुत आसान है, क्योंकि किसी भी जगह पर कुल कितने आवेश है, तो आप सभी आवेश को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, जो बात निकल गई, देखो कोई नई बात है नहीं, आवेश एक अदिश राशि है, अतः किसी भी निकाय में कुल आवेश सदैव सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये बीजगणितीय योग ही तो करना है, दसवीं क्लास में पढ़ रखा है, बीजगणितीय योग क्या होता है, सिंपल सब चीज को जोड़ दो बस गणितीय नियम से। तो Q1 कितना है, 2 कूलम, Q2 कितना है, -1 कूलम, Q3 कितना है, 3 कूलम, तो इसका मतलब कुल कितना आवेश आएगा, देखो 2 में से 1 चला गया तो 1 कूलम प्लस 3 कूलम बराबर 4 कूलम, ठीक है, तो 4 कूलम आवेश कुल निकाय में है। तो ये अपन ने साधारण तरीके से योग किया है, और ये किसी बच्चों को पता होता है कि आवेश जोड़ने हैं सर, 5 आवेश, 10 आवेश, 25 आवेश, सबको मिला दिया तो कितने बन गए। एक आसान शब्दों में कहे जाने वाली बात है, जिसको हम लोगों ने परिभाषा का रूप दे दिया है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास आवेशों की योजिता का नियम। अब देखिए इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसके बाद है तीसरा। अब जो तीसरा जो है पॉइंट, वो अपनी किताब में निश्चितता का नियम से दे रखा है, लेकिन मैं इसको अपने तरीके से बता रहा हूं, ठीक है, कि भाई जो है आवेश वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता है, इसको क्या कहते हैं, निश्चलता का नियम भी कहा जाता है। आवेश जो है वो वस्तु की गति पर निर्भर कभी नहीं करेगा, कैसे, देखो ध्यान रखना, ये अपने कॉम्पिटिशन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, कि जैसे मान लो मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, और आवेश जो है सदैव और सदैव वस्तु पर आता है, याद रखना हवा में नहीं आता है, किस पर आता है, वस्तु पर, कि भाई आवेश का अस्तित्व तभी रहेगा जब वस्तु होगा, कण होगा, कण पर रहेगा, यूं नहीं कह सकते कि आप हवा में आवेश घूम रहा है, वो वस्तु घूम रही है और वस्तु पर आवेश आता है सदैव, है ना, तो ये बात ध्यान रखना। तो आवेश जो है वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता है, कभी भी आवेश जो है वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर करता है, आवेश किस चीज पर निर्भर करेगा, ये बात ध्यान रखनी है अपने को। तो देखो आवेश किस पर निर्भर करेगा, तो आवेश जो है वो अधिश राशि है, ठीक है, अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो गतिमान वस्तु बराबर स्थिर वस्तु दोनों पर आवेश सदैव क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अगर इस मार्कर को मैं से चला दूं, ठीक है, या फिर ये मार्कर ऐसे खड़ा था पहले, तो इस पर 5 कूलम आवेश था, कितना था, 5 कूलम, मैं जादू की छड़ी की तरह इसको घुमा दूं हवा में, तो इससे 5 से 10 नहीं होगा, अभी भी कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। तो इसका मतलब गतिमान आवेश और स्थिर आवेश पर हमेशा गतिमान वस्तु पर स्थिर वस्तु पर आवेश सदैव क्या रहता है, समान रहता है, आवेश सदैव क्या रहता है,
समान। लेकिन देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि यदि वस्तु एक आप कह सकते अपवाद है, यदि वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो, क्या हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, तो फिर मामला बदल जाता है। कैसे, देखो फिर क्या होता है कि जो यहां पर आ जाता है विशिष्ट आवेश, क्या आ जाता है, विशिष्ट आवेश, एक नई चीज आ जाती है। और विशिष्ट आवेश होता है आवेश बटा वस्तु का द्रव्यमान। क्या होता है विशिष्ट आवेश, आवेश बटा वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए विशिष्ट आवेश को मैं लिखता हूं qm से और आवेश को लिखता हूं q से और वस्तु का द्रव्यमान m से। देखो अब कौन सी वस्तु, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म मतलब अपन अत्यंत सूक्ष्म नहीं हुए, मक्खी भी अत्यंत सूक्ष्म नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस तरह की जो इस कोटि की जो वस्तुएं होगी वो अत्यंत सूक्ष्म की श्रेणी में आएगी, ठीक है। तो उनके लिए जो m है वस्तु का द्रव्यमान वो बदल जाता है और वो आ जाता है एक नया फॉर्मूला है जिसको जो इस फॉर्मूले को समझाया था एक महान वैज्ञानिक है जिनका नाम है आइंस्टाइन, जानते हो सभी बच्चे, ठीक है, कभी कभी सुन रखा होगा उनके बारे में। आइंस्टीन ने सूत्र दिया था, क्या दिया था कि जब अत्यंत सूक्ष्म वस्तु कभी गति करेगी, क्या करेगी, अत्यंत सूक्ष्म वस्तु, तो उसका द्रव्यमान जो है वो वेग के साथ, किसके साथ, वेग के साथ, देखो मैं लिख रहा हूं v स्क्वायर तो है वस्तु का वेग, c है प्रकाश का वेग, दसवीं क्लास में पढ़ रखा आप लोगों ने प्रकाश का वेग, m है वस्तु का विराम द्रव्यमान, ठीक है। तो अगर मान लो वस्तु बहुत सूक्ष्म हो, वस्तु क्या हो, बहुत सूक्ष्म हो, तो उसका वेग जो है वो प्रकाश के वेग के आसपास होता है, और ऐसे मामले में ये नीचे वाला पद वो बदल जाता है, और नीचे वाला पद बदलने से अलग अलग समय पर m का मान भी क्या आता है, अलग अलग आता है। भी सोचो आप लोग कि ये भी लगातार बदल रहा है, कभी कम ज्यादा, लेकिन वो किसके आसपास होगा, ये अपॉन में, ध्यान रखना यहां पर ये बात याद रखना, ये मैंने अपॉन में कर रखा है, ये v स्क्वायर बटा c स्क्वायर में कोष्ठक में भी लिख देता हूं। तो इन दोनों का अनुपात कब जीवित रहेगा, जब c का मान तो आप लोग जानते हैं 3×10⁸, और ये v भी इसके आसपास होगा, तो उससे क्या होगा, दोनों राशियों में अंतर ज्यादा नहीं आएगा और वो राशि गिनने के योग्य रहेगी, और उसके कारण इस m में परिवर्तन आएगा, क्या आएगा, m में परिवर्तन, और m परिवर्तित होगा तो ये qm भी क्या होगा, परिवर्तित होगा, ये बात ध्यान रखें आपको, क्लियर। तो ये क्या हो गया, वस्तु का विराम द्रव्यमान, ठीक है, और ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग गतिज द्रव्यमान, ठीक है, यहां पर भी लिखता हूं गतिक द्रव्यमान, कि गतिशील अवस्था में द्रव्यमान कैसे लिया जा सकता है, तो ये बात याद रखना। तो यहां पर क्या निचोड़ निकल के आता है, क्या इंपॉर्टेंट बात आती है कि वस्तु का विशिष्ट आवेश गति पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है, गति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग चाहो तो इसको नोट कर ले आप लोग, ठीक है, जिससे आपको सहूलियत लगे। क्लियर, ठीक है सर। इसके बाद कोई डाउट हो तो बड़े आगे, अब देखिए
अगला जो है वो राजस्थान बोर्ड में दो तीन बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगला जो गुणधर्म है चौथा गुणधर्म, उनके नोट्स आज मिल जाएंगे आपको, चौथा गुणधर्म आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। अब देखो आवेशों का क्वांटीकरण, अब जो क्वांटीकरण क्या प्रक्रिया है, अब क्वांटीकरण में देखिए आवेश का क्वांटीकरण कैसे करें, आवेश को कैसे, अब देखो यहां पर शब्द आ गया क्वांटी, अब सर हमने सुना ही नहीं ये शब्द कभी, क्वांटी क्या होता है। अब देखो क्वांटीकरण जो शब्द आया है वो आया है क्वांटा से, और क्वांटा का मतलब क्या है, क्वांटा का मतलब है फिक्स पैकेट, क्या कह सकते हैं हम लोग, फिक्स पैकेट। जैसे आप लोग बोलते हैं कि एक दर्जन पेंसिल आ रही है अपने पास कहीं से बाजार से खरीद के ला रहे हो, कितनी, एक दर्जन पेंसिल, अब एक दर्जन में पेंसिल, एक दर्जन पेंसिल बोला इसका मतलब कितनी पेंसिल आएगी, उसके अंदर 12 पेंसिल आएगी, इसका मतलब उस पैकेट में फिक्स मात्रा रहेगी कितनी, 12, तो उस पैकेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेंसिल का क्वांटा, मतलब क्वांटा मतलब फिक्स पैकेट होना, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो ये वाला कल करेंगे हम लोग,